दोस्तों भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी और भारतीय टीम के स्टार महिला टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कुछ न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज एजेंसियों के द्वारा इस न्यूज को आग की तरह फैलाया जा रहा है। हालांकि इस न्यूज में कितनी सच्चाई है किसी को पता नहीं है, लेकिन इन सबके बीच मोहम्मद शमी के पिता ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है इन दोनों को लेकर। अब उन्होंने क्या बयान दिया है इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरे मामले पर चर्चा कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इन दोनों की शादी की बातें काफी जोरों शोरों से होने लगी है। दरअसल आपको पता होगा कि मोहम्मद शमी भारतीय टीम के तेज गेंदबाज है और वो काफी पॉपुलर गेंदबाज है, और या यूं कहे तो वो काफी पॉपुलर क्रिकेटर है भारतीय टीम के, और उन्होंने जिस तरह से भारतीय टीम के लिए परफॉर्मेंस दिया है भाई साहब, उनका नाम हमेशा ही टॉप लिस्ट में रखा जाएगा। मोहम्मद शमी जो कि अपनी पत्नी हसीन जहां के साथ शादी करी थी साल 2010 में, और आपको बता दें कि इनका डिवोर्स भी हो चुका है और मोहम्मद शमी फिलहाल अभी अपने पत्नी से काफी दूर है और इन दोनों के बीच डिवोर्स हुए लगभग 5 साल होने वाले हैं। और आपको बता दें कि मोहम्मद शमी के 2 बेटे भी हैं और हसीन जहां ने कई बार मोहम्मद शमी पर यौन उत्पीड़न का केस भी किया है, साथ ही साथ कई तरह की केसेस उनके ऊपर करी थी उनकी पत्नी हसीन जहां ने, जिसके कारण इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ा था। वहीं अगर सानिया मिर्जा की बात करें तो सानिया मिर्जा साल 2023 में अपने पति शोएब मलिक के साथ डिवोर्स ले चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं और काफी बड़े खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के, उन दोनों के बीच साल 2010 में शादी हुआ था। और आपको जानकर ये काफी हैरानी होगा कि शोएब मलिक का वो पहला शादी नहीं था, बल्कि सानिया मिर्जा के साथ उन्होंने दूसरी बार शादी रचाई थी, यानी कि सानिया मिर्जा से पहले उनकी एक पत्नी पहले से हुआ करती थी, लेकिन साल 2010 में उन्होंने दूसरी शादी की वो भी सानिया मिर्जा के साथ, और साल 2023 में इन दोनों के बीच डिवोर्स हो गया क्योंकि शोएब मलिक ने तीसरी बार शादी करी और उन्होंने सानिया मिर्जा को डिवोर्स दे दिया, जिसके बाद से ही सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी की शादी की खबरें काफी तेज हो गई। दरअसल सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी दोनों ही एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं, दोनों का डिवोर्स हो चुका है और दोनों ही अब लंबे समय से सिंगल है, साथ ही साथ दोनों की लाड़ी भारतीय मूल के ही है और दोनों ने ही भारतीय स्पोर्ट्स को काफी ऊपर तक पहुंचाया है। मोहम्मद शमी जहां क्रिकेट के डिपार्टमेंट में काफी बड़े चेहरे हैं, वहीं सानिया मिर्जा टेनिस के डिपार्टमेंट में काफी बड़ा चेहरा है। सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी दोनों ही भारतीय स्पोर्ट्स की शान है। अब इन दोनों के बीच शादी की खबरों को लेकर मोहम्मद शमी के पिता ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। मोहम्मद शमी के पिता ने हाल ही में इन सभी न्यूज को देखते हुए उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज एजेंसियों को कोई काम धंधा नहीं होता, वो फिजूल की खबरें को चलाते रहते हैं जिनसे उनको टीआरपी मिलनी होती है, और उन्होंने साफ साफ इस न्यूज को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि न्यूज एजेंसी और न्यूज आर्टिकल्स अपने फायदे के लिए इस तरह की बेफिजूल न्यूज को चलाया करते हैं। मोहम्मद शमी और सानिया मिर्जा का अगर शादी होने वाला रहता तो मुझे सबसे पहले पता होता, क्योंकि मैं मोहम्मद शमी का पिता हूं और एज ए मोहम्मद शमी का पिता मैं इस न्यूज और इस बात को नकारता हूं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी की शादी होने वाली है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए न्यूज वाले करते हैं, उनको बस पैसे कमाने और बस अफवाह फैलाना होता है। मोहम्मद शमी के पिता ने यहाँ तक की ये बात भी कही कि न्यूज एजेंसियों को और कोई काम धंधा नहीं होता, उनको दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने के अलावा कोई काम होता ही नहीं है, और उन्होंने साफ साफ न्यूज एजेंसियों को धमका भी दिया कि वो बेफिजूल की खबरों को ना चलाया करे, क्योंकि इन खबरों के साथ उनके परिवार या फिर कहे तो किसी भी खिलाड़ी या फिर किसी भी प्लेयर्स के साथ मेंटल हेल्थ की इश्यू हो सकती है, और यह सही बात भी है क्योंकि इस तरह के खबरें को पढ़ने के बाद मेंटल इश्यू की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है किसी भी खिलाड़ी या फिर किसी भी पर्सन के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि मोहम्मद शमी और सानिया मिर्जा शादी के बंधन में रच जाएं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।